हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमो की एक डेडली स्ट्रेटजी के बारे में। डेडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैराबोलिक सार प्लस टीसीएमए यानी टाइम सिंपल मूविंग एवरेज का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड्स के साथ मैं इसे टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं जाना, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कस्टमाइज्ड हैं, ऑफसेट कस्टमाइज हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कस्टमाइज है। मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो स्ट्रेटजीज़ को समझने के लिए यानी इनका बोथ स्ट्रेटजीज़ का जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेटजी का नाम पता लग गया, यानी टीसीएमए टाइम सिंपल मूविंग एवरेज प्लस पैराबोलिक सार। तो यार टीसीएमए जो है, पहले इसे टीसीएमए बोलते थे, बट अब जो डायनेमो की प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं एसएमए के नाम से, यानी सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से। यहाँ पे ऑफसेट के साथ इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव अकाउंट के साथ हम ट्रेड लेने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं इन ट्रेड्स पे, यानी ये जो स्ट्रेटजी है इनके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे सिग्नल्स मिल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ भाई, 10 अगर ट्रेड लोगे ना, 8 जरूर विन करोगे, क्योंकि स्ट्रेटजी टेस्टेड है, मज़ेदार है और अच्छी है। खुद यूज करना, अगर अच्छी लगे तो ही कमेंट करना। एक और चीज़ यार, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल पे। अगर बैनरी एंड फॉरेक्स से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, तो ये चैनल है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाओ। लाइक करो वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आप है अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और चलिए सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है उसको कस्टमाइजली इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज पे मैंने क्लिक किया। मूविंग एवरेज पे क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है, देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो चेंज है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो ऑफसेट है उसको 5 पे क्लिक कर देना है, यानी आपको इसको जो सेट करना है ऑफसेट को उसको 5 सेट करना है। टाइम पीरियड उसको आपको 50 ही रखना है, और जो फील्ड है उसको क्लोज ही रखना है। और जो चार्ट है, मैं येलो प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे येलो पसंद है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आपको शो रहा है, ये मूविंग एवरेज को दिखा रहा है। अब आप मुझे पूछोगे सर आपने तो टीसीएमए की बात की थी, यानी टाइम सिंपल मूविंग एवरेज की बात की थी, यहां पे ये एसएमए क्यों लिखा आ रहा है, यानी मूविंग एवरेज ही क्यों आ रहा है। तो भाई यहां पे पूरा स्ट्रेटजी का नाम नहीं है, लेकिन अगर मैं कस्टमाइज अगर मैं आपको समझाने लग गया कि यहां को टीसीएमए क्यों कहते हैं इसे, तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, क्योंकि टी का मतलब होता है भाई टाइम। यहां पे टाइम डिफरेंस जो है, टाइम पीरियड जो है, इसका जो ऑफसेट है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है ग्राफ के ऊपर, और इसी की वजह से इसका जो नाम है टीसीएमए पड़ा था, लेकिन शॉर्ट होते होते अब ऐसे में हो गया और अब ये एमए ही हो गया है। तो यहां पे अभी एमए की यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया है मूविंग एवरेज को, ठीक है। एक चेंजेस हमने किया है, एंड सेकंड चीज जो हम करने वाले हैं वो, और अब जो है गाइस यहां पे पैराबोलिक सार को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, यानी पैराबोलिक सार है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं ध्यान से सुनना है। आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम एएफ लिखा रहा है और नीचे लिखा रहा है मिनिमम एएफ। तो मिनिमम एएफ को आपको क्या करना है, 0.01 पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कलर है वो सेट करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक है यानी व्हाइट कलर सेट है, और मैं जो है इसको ग्रीन कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको रेड भी कर सकते हो। बस इस तरीके का कॉम्बिनेशन करना है आपको कलर्स का, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके का ग्राफ मेरे सामने बन के आता है, यानी ये जो ग्राफ है और ये जो है ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, और यहां पे देखेंगे ये आपको पैराबोलिक सार का इंटरफेस, यानी ये जो पैराबोलिक सार है और ये हमारा एसएमए है यानी टीएसएमए है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, इसमें कौन सा टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है और कौन सी कैंडलस्टिक फ्रेम पे ये काम करती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई यहां पे देखेंगे आप, टाइम जो है मैंने 15 सेकंड का सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, तो यहां पे ये जो स्ट्रेटजी है 15 सेकंड के टाइम पीरियड पे ही काम करती है। 15 सेकंड का टाइम पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको आपको कैंडल्स पे ले जाना है। आप माउंटेन लाइन और बार्स के साथ इस स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट टू गेट गुड सिग्नल्स, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। एक चीज और बता देता हूं, स्किप मत करना वीडियो को, डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि यहां पे लाइव ट्रेड करके मैं आपको सिग्नल्स को बताने वाला हूं, कैसे हमें इंडिकेशंस मिलेंगे और उन इंडिकेशंस के बेसिस पे कैसे हम यहां पे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। 10 में से 8 ट्रेड आप जरूर जीतोगे अगर आप यहां पे पेशेंसली वेट करके ट्रेड लोगे, ठीक है। ये जो मार्केट है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि यार ये स्ट्रेटजीज में एक दिन नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। सो गाइस, अब सीधा सा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सा आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो यहां पे देखोगे सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि हम इंडिकेशंस कैसे ले सकते हैं। तो जैसे ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान से, मेहनत लगी है, समझना जरूरी है। अगर आपका चार्ट इस येलो लाइन के नीचे आता है, अगर आपका चार्ट इस येलो लाइन के नीचे होता है और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यानी पैराबोलिक सार है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी यहां पे देखिए, यहां पे आपको ट्रेड लेनी है 3 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट।
फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, ये मैं अभी जो बता रहा हूं ये है डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए सिग्नल। पहले हम बात करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स के लिए, फिर बात करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स के लिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल आपको कैसे मिलेगा, जैसे ही आपका ग्राफ इस येलो लाइन के नीचे होता है और ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन मिलती है पैराबोलिक सार की, जो कि क्रॉस करती है नीचे की डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगी उस पॉइंट पे, यहाँ पे उसी एक पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप विन कर जाओगे। 3 मिनट की लोगे, 2 मिनट की लोगे तो भी विन कर जाओगे, लेकिन 1 मिनट की मैं सेफ नहीं समझता हूँ। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के कुछ और सिग्नल्स को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और सिग्नल जो बेटर हमें मिल जाए। देखिए यहाँ पे ना, अब इसको आप सिग्नल मत बोलना, देखिए ये एक सिग्नल नहीं है, ये भी सिग्नल नहीं है, आपको सिग्नल लेने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गाइज मैं भी ग्राफ चेंज कर लेता हूँ, कुछ इस ग्राफ में कुछ जो है इंडिकेशंस कुछ खास मिल नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे कोई और करेंसी पर चेक करते हैं, कोई अच्छा बेटर इंडिकेशंस मुझे मिल जाए, दैट विल बी गुड। ठीक है, देखो ये एक सिग्नल नहीं है, अब मैं आपको पहले ही समझाता हूँ, ये एक सिग्नल नहीं है। सिग्नल का मतलब होता है कनेक्टेड। अगर आपका यहाँ पे आके रुक रहा है तो इसको आप एक सिग्नल नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लॉस कर जाओगे। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सिग्नल कौन सा है, कौन से सिग्नल को हमें, मतलब किस चीज़ को यहाँ पे सिग्नल मानेंगे, क्योंकि देखिए 10 में से अगर आपको 8 ट्रेड जीतनी है ना, तो इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे आपको ना इसको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू नो, आपको हर एक चीज़ तभी समझ आएंगी। देखिए ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ पैराबोलिक सार्क, और यहां पे इसने क्रॉस किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एक पर्टिकुलर करेक्ट सिग्नल है। ये कैसे पता लगा मुझे, प्रैक्टिस से कैसे पता लगा, देखिए यहां से कोई ट्रेंड लाइन जा रही है और इस येलो लाइन को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 3 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। यहां पे मैं 3 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पे, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लगभग मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो यहां पे रहता है। ठीक है, तो यहां पे अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये 15 सेकंड का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे भी मैं विन ही करूँगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था अबाउट 15 सेकंड का टाइम फ्रेम एंड 1 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि यूजुअली जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जो स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीछे जो स्ट्रेटजी डिस्कस की थी आपको और पीछे जो ट्रेड भी बताया था, वहाँ पे भी अगर आप 3 मिनट का देखोगे तो आप विन ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेशन को हम किस तरीके से कैच कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंडिकेशंस को कैच करने, देखिए ये देखो परफेक्ट सिग्नल। तो यहां पे हमें ट्रेड लेनी है, यहां पे हमें ट्रेड लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 मिनट के लिए, तो यहां पे आसपास, यहां के आसपास वो क्लोज होगी। 2 मिनट की ट्रेड लोगे यहां पे आप तो भी विन करोगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये सिग्नल काम करता है। अब यहां पे देखते हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस आपको सिग्नल से मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप अपर डायरेक्शन के ट्रेड लोगे तो ये भी विन करोगे। हम देखते हैं कोई लाइव अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है किसी एक करेंसी पेयर पे, तो हम उसके लिए जाके ट्रेड ले लेते हैं। बट अभी फिलहाल देखते हैं, मैं बताने वाला हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। देखो ये जो सिग्नल मिला यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप 3 मिनट के लिए ट्रेड लोगे डेफिनेटली विन करने वाले हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रेम के, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो विन ही करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। आपको मैं 3 मिनट का क्यों कह रहा हूँ, आप 1 मिनट पर भी ट्राई करो, आप 2 मिनट पर भी ट्राई करो और 3 मिनट पर भी ट्राई करो, आपको जो अच्छा लगता है ना वही उसी में ही यूज़ करो। क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको कस्टमाइज करने का आपको पूरा हक है। आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे से तो आप उसको यूज़ करके अच्छा खासा जो है ट्राई कर सकते हो। अगर आप उससे अच्छा मिल रहा है तो आप उसे यूज़ करो, नॉट इवन कि मैंने बता दिया तो आप वही सिग्नल यूज़ करो, वही स्ट्रैटजी यूज़ करो। देखो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली होती 3 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं विन ही करता। अभी देखते हैं, अभी तो ग्राफ चल ही रहा है नीचे, बट मैं विन करता। यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम फ्रेम मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी करके देख लिया, 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी करके देखा और 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी करके देखा। जो सबसे बेटर मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इसी एक टाइम फ्रेम के साथ मिल रहे हैं 15 सेकंड के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा कि 15 सेकंड का जो टाइम फ्रेम है वो बेटर रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है यार, चॉइस भी आपकी ही होनी चाहिए हर एक केस में। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए शायद एक सिग्नल हमें मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जल्दी में अमाउंट सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे अमाउंट मैं सेलेक्ट करता हूँ 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का जो अमाउंट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रेड लेने वाले हैं। बट लेट्स सी कि कोई सिग्नल मिलता है, और यहाँ पे देखते हैं इसको क्रॉस करता है, देन विल गो फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन, और हम जाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए
तीन मिनट के लिए नहीं जाएंगे, हाँ यहाँ पे क्रॉस कर गया है, ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया है ना, जो मैंने है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है और हमारा जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़ का एंड सेलेक्ट मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दिया है। अब हम कोई और करेंसी पे जाते हैं, वो छोड़ते हैं अभी, और कोई करेंसी पेयर पे देखते हैं, कोई और अच्छा इंडिकेशन मिलता है तो और ट्रेड प्लेस करेंगे। ज़रूरत है आप लोगों को समझाने की, ज़रूरत है कि आप समझो इस ट्रेड से प्रॉफिट कितना है, कितना अच्छा स्ट्रैटजी है। देखो यहाँ पे भी हमें एक इंडिकेशन मिला था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटजी है, बहुत टाइम लगा है। तो यार एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई लाइक कर दो यार वीडियो को, अभी लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हो भाई, की मेहनत प्यारी लगी है, स्ट्रैटजी अच्छी लगी है, यूज़ करो, उसके बाद अगर अच्छी लगती है तो ही कमेंट करो, बट लाइक वीडियो को कर दो एंड शेयर कर दो यार वीडियो को, आपके जैसे काफ़ी भाइयों के पास वीडियो पहुँच जाएगी और जो लोग बिना स्ट्रैटजी के पैसा गंवाते ना वो ज़रूर पैसा जीतेंगे। जो लोग तुक्का लेके ट्रेड लेते हैं ना, जो लोग तुक्का करते हैं, तुक्का लगाते हैं और ट्रेड में विन कर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए स्ट्रैटजी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना तुक्का लगा के ट्रेड लोगे उससे अच्छा ये जो कस्टमाइज सेटिंग्स हैं ये ले लो, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगा के ही ट्रेड लेनी है तो फिर यार ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा तो बस इतना मानना है। अब मैं कोई और करेंसी पेयर भी देखता हूँ यार, कोई और करेंसी पेयर मिल जाए जहाँ पर ट्रेड लूँ मैं, तो भैया मैं एक बात बताता हूँ सच्ची वाली, मैं जितनी ट्रेड ली है ना मैंने इस स्ट्रैटजी से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक दो ट्रेड ही हारा हूँ, मैं ट्रेड नहीं हारा हूँ इस स्ट्रैटजी से, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ा चार्ट को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, यानी कि आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा इस चार्ट को समझने के लिए, इस स्ट्रैटजी को समझने के लिए। मतलब ये ऐसी स्ट्रैटजी नहीं है कि इसमें तुक्के लगा के आप विन कर गए, ऐसी स्ट्रैटजी नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेशन फॉल्स है और कौन सा इंडिकेशन ट्रू है। अगर आपको 10 में से 8 प्रॉफिट चाहिए तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, अगर आप 10 में से 5-7 प्रॉफिट के साथ खुश हो तो फिर तो कोई बात नहीं, तो फिर आप जो है इन सारे इंडिकेशंस को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सारी कहानी, आप देखते हैं हमारी जो ट्रेड है वो क्या हो रहा है, उसका सिस्टम क्या हाल है, ठीक है। तो भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी सारी ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ यार, मतलब ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी ट्रेड्स लेना चाहता हूँ अभी, लेकिन यार बात ये होता है ना, ये जो सिग्नल है ना, ये जो स्ट्रैटजी है ये सपोर्ट नहीं करती है जल्दी जल्दी सिग्नल्स को, ये जो स्ट्रैटजी है इसमें आपको वेट करना पड़ता है सिग्नल्स के लिए। जैसे ही यहाँ पे आपको देखो ये मार्केट ने, यहाँ पे देखो इस पैराबोलिक सार ने हमारी ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, मैंने 2 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया है, और जैसे ही मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके आ गया, दैट्स इट। यही है, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देखो ये प्रॉफिट भी मैंने ले लिया है, और आराम से यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो भी आप विन करते हैं, दे आर लॉट्स ऑफ लाइक स्ट्रैटजीज। अब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी आपको बताया, डाउनवर्ड डायरेक्शन का इंडिकेशन है मतलब अगर आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसको नीचे से कोई क्रॉस करता है, पैराबोलिक सार नीचे से इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है और ग्राफ इसके ऊपर की साइड है येलो ट्रेंड लाइन के, तो वो आपके लिए काम आएगा अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल के लिए। और डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल का मतलब होता है येलो लाइन का जो येलो लाइन है ट्रेंड लाइन, उससे नीचे ग्राफ होना चाहिए, देखो जैसे कि उसके नीचे ग्राफ होना चाहिए और हमारा जो पैराबोलिक सार है उसको यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका मतलब हमारा जो इंडिकेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, लाइक कर दिया होगा यार और कमेंट कर दी होगी अच्छे सी एंड शेयर कर दिया होगा भाई, फर्स्ट टाइम हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको यार लाइक फास्ट कमेंट्स के रिप्लाई चाहिए, जल्दी से चाहते हो यार मैं रिप्लाई करूं, तो हैशटैग टेक्निकल अवी जरूर लिखना, मत भूलना कमेंट के साथ, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, तो लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अगले बार मिलते हैं और धमाकेदार वीडियो और कंटेंट के साथ।